हम ये जानना चाहते हैं कि पिछली बार RWA बनाया 2020 में, उस वक्त भी ये समस्या सारी जो आज आपके सामने है, जैसे आपकी स्ट्रीट लाइट की है, पीने का गंदा पानी आ रहा है, बारिश के मौसम में पानी भर जाता है, खाली प्लॉटों में खाम के झाड़ झंखाड़ खड़े हुए हैं, तो ये जो सारी समस्याएं हैं आप लोगों के लिए वो बुरी तरह से टूटी हुई है। क्या अगर ये वर्तमान RWA ईमानदारी चाहती तो इसका समाधान हो सकता था? इसके बारे में बोलो आप। समाधान तो हर चीज का हो सकता है बेटा, अगर करना चाहो तो, और होना भी चाहिए। एक तो नाले की बहुत भारी समस्या है, वो बंद हो जाए तो बदबू आवाज है, और एक जो है सफाई जो है ना उसका भी ध्यान देना चाहिए। पार्कों में जैसे घास वगैरह की कटाई है, सभी पार्कों का ध्यान देना चाहिए एक पार्क की बजाय। और ये पश्चिम की तरफ तो जो है ना ध्यान कम ही दे रखा है। आदमी जो के काम करे भाई, गवर्नमेंट आदमी काम बार काम भाई बहुत खड़ा है, अड़ंग दड़ंग बहुत दिन हो गए। इनकी साफ सफाई होनी चाहिए, इन पानी की सुविधा होनी चाहिए गर्मी में, इन मान जान वाले बड़े आदमी आता ही भाई उतरन चढ़न का भी राह होना चाहिए, काम तो सारा होना चाहिए। मेन पॉइंट तो ये है ना, बड़े आदमी आवे है कि तब बैठने का राह नहीं, घास हो जैसे पीने का पानी भी होना चाहिए, वो तो सुविधा तो भाई घनी है, कमी है बहुत घनी है। पानी का कोई साधन नहीं है, पीने का कोई, जैसे बच्चा जैसा आया हो या बड़ा हो कोई भी हो। सेक्टरों में सारे गेट टूटे हुए हैं, गड्ढे रोडों पे इतने गड्ढे हो रहे हैं कि एक्सीडेंट होने का रोज चांस रहता है, और आवारा पशु बहुत घूमते रहते हैं। दौर बाजारी का बहुत ज्यादा डर है, सेक्टर का पोस एरिया का कोई हमें फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। कोई भी बन लो सब अपनी जेब भरने का लगे रहते हैं, बस कोई सुविधा हमें नहीं मिल रही जिस हिसाब से हम यहाँ रह रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। और पूरे पार्कों में, सेक्टरों में सड़कों की कोई सफाई नहीं है, झाड़ ऐसे खड़े हैं, डिवाइडर पर भी ऐसा टूटा पड़ा है, कहीं घर से निकलने का रास्ता ही नहीं है। कोई सुविधा मतलब हमें नहीं मिल रही, हमें सुविधा बिल्कुल भी नहीं मिल रही किसी चीज की। जिस हिसाब से हम रह रहे हैं उस एरिया में वो नहीं है, बस ये खड़े कर दिए झूले, इनमें कोई सुविधा तो है नहीं। ये आपकी सेक्टर जो समस्या है इसमें RWA कितनी जिम्मेवार है? देखो जी, डेढ़ या दो पौने दो सालों में सेक्टर का कोई उधार नहीं है। एक नंबर, कोई तो पार्क में कटाई उटाई नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं लगे हैं, कोई गंदे नाले नहीं ठीक हुए हैं, लगाने देखो उसको कटिंग वटिंग नहीं हुई। यदि मैं बताऊँ आपको, साफ सफाई से होने का नहीं है, कोई आए यहाँ भी पार्क बहुत अच्छा है, ये झाड़ झूड़ खड़े हैं, ये झूठ जान खड़े हैं, इनको कटवाए, इनकी सफाई करवाए, अरे देख गंदा पानी आवे, गंदा पानी आवे। सबसे मोटी समस्या पानी की है, पानी बहुत गंदा आवे, पानी का सुतल। ये यहाँ पे हमने फीमेल मेंबर्स रेजिडेंट बैठे हुई थी, जो कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ रिटायर्ड डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं। हमने आज ये जानना चाहा कि आपकी वर्तमान जो समस्या है, क्या ये समस्या का कोई समाधान अगर वर्तमान RWA ईमानदारी कोशिश करती थी पॉसिबल था या नहीं था? ज़्यादातर हमारी जो माताएं बहनें हैं इनके विचार ये हैं कि RWA ने ईमानदारी से काम नहीं किया, और मुख्य जो समस्या है जैसे पीने का सप्लाई का पानी बहुत गंदा आता है, बारिश के पानी की प्रॉपर निकासी नहीं है, नालों की सफाई नहीं है, पार्कों में घास की कटाई नहीं है, पश्चिम दिशा में जो पशु घूमते हैं उनका कोई इलाज नहीं है, आपके ग्रीन बेल्ट की समस्या है इसके बारे में बहुत नाराज है लोग, कम्युनिटी सेंटर है पूरी तरह टूटी पड़ी है, तीन चार बोर्ड लगे हुए हैं, आपके MP साहब का भी, वर्तमान MLA का भी, पूर्व MLA का भी, पूर्व आपके ये MC के चेयरपर्सन का भी, तो लोग नाराज हैं, लोग बिल्कुल निरुत्साहित है, लोग तो ये सोचने लगे अभी इससे कोई भी RWA हमारा समाधान नहीं होगा, लेकिन असंभव कोई बात नहीं हुआ करती, संभव है। तो अब की बार ये जो चुनाव है हम लोगों को इसी बात के लिए अवेयर करते हैं, देखिए हम किसी के फेवर में कोई बात नहीं कहते, ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आप जांच पड़ताल करके बिल्कुल ईमानदारी से अपने दो साल के एक उज्जवल भविष्य के लिए, एक सेक्टर के बेहतर कल के लिए आप वोट डालें, किसी दबाव में, किसी लालच में, किसी प्रलोभन में, किसी बहकाव में ना आए, और ईमानदारी वोट डालें, एक अच्छी RWA बनाए ताकि आपकी जो ये वर्तमान में समस्याएं हैं इनका पीछे कोई समाधान नहीं हुआ, तो इसका समाधान संभव है।
और ये क्वेश्चन बैंक वर्तमान के कैंडिडेट के सामने है, ये सारे काम पेंडिंग है, ये काम आपको करवाना ही पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया है, तो आश्वासन दिया तो उसी आश्वासन के आधार पे उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, हमें ऐसा लगता है कि वो इनका समाधान कर देंगे। बस इस वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते थे सेक्टर वासियों को, क्योंकि ये जो महिलाएं हमारी जो माता बहन बैठी हुई हैं, ये बिल्कुल इनोसेंट है, ये किसी भी कोई से भी दो कैंडिडेट है किसी के फेवर के नहीं है, ये न्यूट्रल हैं ये। हाँ, तो इनसे एक मत उभर के आता है कि वर्तमान RWA से नाराज हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के लिए मतदान करेंगे। धन्यवाद। ये 8 महीने से चल रही है। हमारी लाइट काफी टाइम से खराब है, तो ये ना अभी भी ठीक करवाई थी पर फिर खराब हो गई दोबारा से। इसको ठीक करा दीजिए प्लीज। बस जी यही करा दीजिए, यही बहुत है। थैंक यू वेरी मच। हमें रहते हुए 10-11 साल हो गए यहाँ पे। वैसे काम तो यहाँ पे RWA का नहीं हुआ पहले भी, लेकिन 2 साल की जो बात करें तो 2 साल में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही ना लाइट का प्रबंध है, ना पानी, तो बहुत ही गंदा रहा है 2 साल से तो खासकर। और घास की कटाई है, पार्कों की है, या और जो झुग्गी झोपड़ियों की है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। हमारी इस पूरी गली में ना तो लाइट है, अंधेरा रहता है, और कोई इस 2 साल से तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। अब पानी तो बहुत बहुत ही गंदा आ रहा है। अब जो भी RWA का जो भी प्रतिनिधि जो भी बनेगा, वो देखो जो इन कामों की ओर ध्यान देगा तो उसकी तरफ तो पब्लिक है, और जो नहीं ध्यान देगा तो जी आगे देखो फिर। गुलाम मलिक जी जो हमारे सेक्टर 2 से प्रत्याशी हैं RWA के, वो बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हैं और काम कराने वाले आदमी हैं। ठीक है, आप उनको सपोर्ट कीजिए और यही हमारी ख्वाहिश है कि अब की बार इन्हीं को विजयी बनाएं। जिस तरह से जनसमूह गुलाब जी का समर्थन कर रहा है, उससे ये लगता है कि गुलाब जी के पक्ष में इस बार एक तरफा चुनाव जाएगा। और एक बात और होती है कि क्या हम किस लिए हम वोट दे रहे हैं, तो हम वोट सिर्फ परिवर्तन के दे रही हैं। हमने अगर 2 साल लगातार काम देखा है और उस काम के बदले में हम ये चाहते हैं कि और इससे बढ़िया काम हो, बेहतर हो, तो हमें परिवर्तन की जरूर जरूरत पड़ती है। तो कहते हैं वक्त को जिसने समझा नहीं उसे झुकना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों ना कितनी भी बड़ी हो, क्यों ना कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। ये जो नदी चल रही है इतनी लहर की, इस नदी से इस चट्टान को हटना ही पड़ेगा और गुलाब को खिलना ही पड़ेगा। जय। बोलो सर, बोलो। RWA सेक्टर 2 से श्री गुलाब सिंह मलिक जी 2 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं। ये पढ़े लिखे आदमी हैं, पहले इनका एक्सपीरियंस है, RWA में रहे हैं, पदाधिकारी है, इनका काम पहले भी अच्छा रहा है और इनसे उम्मीद आगे भी बहुत अच्छा काम रहेगा। सेक्टर की समस्याओं का समाधान अच्छी तरह करेंगे, हमें यही उम्मीद है इनको।
इलेक्टेड है, वोट से बनी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। दो साल पहले बड़े आपने जो बड़े शौक से आरडब्ल्यू का गठन किया था। हाँ जी। इससे कितने संतुष्ट हैं आप? देखो जी, कोई भी काम नहीं हुआ, लाइट का, शिविर का, और ये झाड़ झंखाड़ इतने हैं, बरसात में पानी भर जाता है। मेरे ख्याल से कोई भी काम ऐसा नहीं जो संतोषजनक कहा जा सके, तो इसके लिए हमें बदलाव बड़ा जरूरी है। इसीलिए सोचा है यहाँ के लोगों ने, अभी एक बार बदलाव लाओ, अनुभवी आदमी है, इनके इनको सपोर्ट करेंगे। दो बातें दिया साहब, देखो एक तो आदमी की काम करने की कैपेबिलिटी ना हो, अक्षमता ना हो, दूसरा आदमी की अक्षमता हो, आदमी की नीयत ना हो। आप इन दोनों मुद्दों में किस बात को सही मानते हैं, क्या काम करना जानते नहीं या काम करना चाहते नहीं? जैसा पहले तो जो बनाए थे उनका तो काम देख लिया जी, कोई भी नहीं है, किसी भी ग्राउंड पे काम नहीं किया उन्होंने, उनका कोई अनुभव यानी क्या माने, दो साल का कुछ भी नहीं है उनका, तो कोई प्रयास किया ही नहीं। तो गुलाम मलिक जी ने दो पीछे पदाधिकारी रहे हैं आरडब्ल्यू में 3-4 बार, ये तो इनका तो मेहनती हैं, बीच बीच में अब भी काम कहाँ भी जरूरत पड़ी है खड़े मिलते हैं वहीं पर, तो बदलाव जरूरी है। तो आपकी क्या है कन्विंसिंग कर रहे हैं कई दिन से आप डोर टू डोर, अब सारा सेक्टर आप बता रहे हैं आपने कवर कर दिया है, तो क्या है आपका आकलन, क्या संभावनाएं हैं? देखो जी, हमें बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और हम जो है अपने लिए नहीं, सेक्टर की समस्याओं के लिए घूम रहे हैं, सेक्टर की समस्याएं दूर हो जाएंगी तो बड़ा अच्छा होगा। आप एंटी इनकम्बेंसी वोट यानी जो नाराज वोट है उस पर आप आश्वस्त हैं, या गुलाब की अपना जो विजन है उस पर आश्वस्त है? देखिए, गुलाब का विजन बहुत अच्छा है, इसीलिए सब साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो बदलाव होगा जी, जरूर होगा। धन्यवाद भैया साहब, धन्यवाद अरोड़ा जी, धन्यवाद विजय जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद गुलाब जी। ये आपके साथ जो आपके डोर टू डोर कन्विंसिंग में कई दिन से आपके सह सफर हैं, ये आश्वस्त है कि आपने पहले भी आरडब्ल्यू में आप ऑफिस भी रह रहे हैं, अच्छा काम किया है, आपके काम करने की प्रणाली अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, आप करना काम करना जानते हैं। आप भी कुछ अपना विजन बताएं सेक्टरवासियों को, ऐसा ना हो कि दो साल के बाद जिस तरह से 2020 में ये चुनाव हुआ था, अच्छा बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में जो एक रूटीन में मीटिंग होती है वहाँ पे आश्वासन दिया था कैंडिडेट्स ने, जी हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, अपना मैनिफेस्टो एक विजन के नाम से लेके आए थे, लेकिन दो साल के बाद बड़े नाराज हैं लोग, ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। आप कितने आश्वस्त हैं कि फिलहाल जो समस्या है ये लगभग, हम जब पूछते हैं लोगों से, हमने पीछे पार्क में बैठी जो फीमेल थी, कुछ पढ़ी लिखी रिटायर्ड भी, कुछ उनमें मैडम थी, कुछ हाउसवाइफ थी, तो वो बड़ा ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमने उनको वोट दिया, बड़ा चाव से उनको इस गद्दी पे बैठाया था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। आप जरा किस बेस पे कह सकते हैं कि ये फिलहाल जो समस्याएं हैं इनका समाधान आप कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं सेक्टरवासियों को नमस्कार करता हूँ, और मेरी जिस टीम का मैं हिस्सा हूँ कन्वेंशन के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में मेरे साथ हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात आती है, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल पूछा था कि काम करने की नीयत नहीं है या आप किसी भी लेवल पर कर नहीं पा रहे हैं, काबिलियत नहीं है, तो उसमें दोनों ही चीज़ें हैं जी। मुद्दों को ठीक तरीके से उठाया नहीं जाता, अधिकारियों से मिला नहीं जाता, अधिकारी से पत्राचार नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ये समस्या, अगर पत्राचार करने की उनके पास कैपेसिटी होती तो सीढ़ी उठा के खुद लाइट ठीक करते ना घूमते। ये काम हमारा नहीं है, इस चीज़ के लिए टेंडर का होते हैं सरकार के, सरकार ये काम करे। आपके पीछे देखेंगे हम हुडा डिपार्टमेंट को एक्सटेंशन फीस देते हैं, जुर्माने के रूप में जो मकान नहीं बने हुए वो एक्सटेंशन फीस लेता हुडा हर साल। तो अब जब इसमें खाली पड़े प्लॉटों में झंगाड़ जमे हुए हैं, इधर पानी भरा पड़ा है, तो हुडा की लायबिलिटी है, उनसे पत्राचार क्यों नहीं किया? तो मैं सेक्टर वासियों को आश्वस्त करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जितने काम पेंडिंग पड़े हैं, जो सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा सेक्टर में होनी चाहिए, उनको हम सभी सेक्टर वासियों की मदद से और प्रशासन की मदद से जल्द पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। वर्तमान आरडब्ल्यूए की टीम से लोग नाराज हैं, परिवर्तन के लिए मतदान करना चाहते हैं, और 2 तारीख को होने वाले चुनाव में
गुलाम मलिक जी जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने खुल्लम खुल्ला एक आरोप लगाया है कि वर्तमान में जो आरडब्ल्यू के प्रधान प्रदीप कौशिक जी हैं, उनकी काम करने की शैली ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये पढ़े लिखे लोगों की कॉलोनी है, पौज कॉलोनी है, यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस बहुत जरूरी है, यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट की मोड ऑफ वर्किंग को समझना बहुत जरूरी है। उन लोगों को अप्रोच करें, उन लोगों की कंप्लेंट करें, उन लोगों को रिक्वेस्ट करें, अगर कोई बात नहीं बनती तो बहुत सारे टूल्स हैं आजकल, उनसे आरटीआई से इंफॉर्मेशन ली जाए, उसके बाद वो काम नहीं करते तो हायर अथॉरिटीज होती हैं, उनको कंप्लेंट करें, उसकी फीडबैक लें, फिजिकली मिला जाए, ना कि आप फिजिकली एक आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, इतने सारे लोगों के अब की बार जैसे 900 के आसपास वोट हैं, पिछली बार 500-600 वोट थी, तो इनको 5-6 से गुणा कर दो, इतने वोटर इस सेक्टर में रहते हैं, तो आज की कैलकुलेशन करें तो 3,500 वोट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रधान। तो एक व्यक्ति प्रधान होने के बावजूद जो है वो इस तरह से सीढ़ी लेके एक वर्कर की तरह से घूमे, तो एक आम वर्कर में एक आरडब्ल्यू के प्रधान में क्या फर्क है? यह शर्म भी आती है कि आरडब्ल्यू प्रधान सीढ़ी लेके उनके साथ घूम रहा है, इस नॉट दी प्रॉपर वे, यह तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, उनको टास्क दें, भाई आपने ये 20 लाइटें ठीक करनी है, उनसे शाम को फीडबैक लें, अगर वो कंप्लीट आपका ऑर्डर कंप्लायंस नहीं होता है तो उसको पेनलाइज करें, उसकी कंप्लेंट करें, उसके बाद वो जो आपका उसके बाद आपका जो ये जो पैनल बनता है जिनको कॉन्टैक्ट दिया जाता है उसको बदलवाएं, उनको दबाव बढ़ाएं, ना कि रिक्वेस्ट करें। रिक्वेस्ट क्यों करते हैं आप? इलेक्टेड बॉडी है आपकी, इलेक्टेड है, पावर है आपके पास, आप अकेले नहीं है, आप 3,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बड़ा खुला खुला आरोप है, बड़ा हमें जायज सा भी लगता है कि ये करें कि पढ़ा लिखा आदमी जो प्रॉपर बातों को समझेगा, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करना जानता होगा, प्रॉपर कहीं मेल करेगा, मैसेज करेगा, मिलेगा, उनको बताएगा जी हमारी ये समस्या है, इनका ये समाधान इस तरह से होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा लगा गुलाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार जी, धन्यवाद।